आज हमारे पास ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप एक नॉर्मल ईयरफोन मत समझिएगा। जी हाँ, ये एक IEM है, मींस इन ईयर मॉनिटर। इसका जो साउंड क्वालिटी होता है वो नॉर्मल ईयरफोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस पार्ट में डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। जो ये हमारे पास पर्टिकुलर ब्रांड है वो है CCACRA। काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इसका ये इन ईयर मॉनिटर बिकता है। एंड आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि ये कैसा है ईयरफोन, आउट ऑफ द बॉक्स आपको कैसा देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो वीडियो के एंड में हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो कुछ इस तरीके का छोटा सा डब्बा मिल जाएगा, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है जैसे कि आप देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं चाइनीज़ में, ऑफकोर्स ये एक चाइनीज़ ब्रांड है। कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे कि इसमें क्या प्लग टाइप है, कितना रेजिस्टेंस है, क्या फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, इसको ओपन करने के सिंपली यहाँ पे पुश करना है एंड पुश करते ही ये डब्बा आपका खुल जाएगा। डब्बे को हम साइड में रख देते हैं। सो खोलते ही सबसे पहले आपको ईयरफोन्स देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे तो एक वायर्ड ईयरफोन लग रहा था और इसमें वायर का तो पता नहीं है। तो जी हाँ, ये जो IEM होते हैं इसका वायर आप निकाल सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये लेफ्ट और राइट का ईयर पीस है। एंड ये जो डिज़ाइन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग है एंड काफ़ी कूल लुकिंग है, लिटरली काफ़ी कूल लुकिंग है। यहाँ पे आप अंदर इसका देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका डायफ्राम ये सब देख सकते हैं। एंड इसका जो ईयर टिप है वो भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ये जो वायर है वो कनेक्ट होता है, ये जो दो पिन है इसमें, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका वायर देखने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ, सो आउट ऑफ द पैकेट है, वरना ये आपको एक पैकेट में मिलेगा। अदर देन दैट आपको कुछ ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे। ईयर टिप्स आपको अलग अलग साइज़ के, मेजरली ये 3 साइज़ के ईयर टिप्स आते हैं हर एक ईयरफोन में। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बुकलेट भी देखने को मिल जाएगा। नाउ जो इसका वायर आप देखेंगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वायर भी इसका ट्रांसपेरेंट है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये एक कॉपर वायर है, इसके अंदर कॉपर वायर रन हो रहा है। ऑलराइट, तो इससे समझ में आता है कि इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, लिटरली मैं कहूँगा। और ये टैंगल फ्री है, कितना भी आप इसको ऐसे गुड़ी मुड़ी कर लीजिए लेकिन इसमें वो अंटा नहीं लगता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस वायर की। अनदर थिंग, ये एक L टाइप है, इसका जो जैक है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे इसमें जो आपको पॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ये ईयर पीस कनेक्ट करना होगा। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो ध्यान रखना है ये जो ईयर पीस होगा वो आपका ऐसे अंदर जाएगा, राइट। आपको फर्स्ट डिसाइड कर लेना है आपका लेफ्ट और राइट, तो ये आपका राइट साइड होगा। तो इसको सिंपली ऐसे, ये जो पिन आप देख रहे हैं इसमें आपको सिंपली इसके अंदर घुसेड़ देना है। ऑलराइट, बहुत ही ईजिली चला जाता है ये, इसमें अंदर कनेक्ट हो जाता है। ये आपका पीछे की साइड रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा जब आप इसको पहनेंगे तो पीछे की साइड रहेगा। ये सेम हेयर फॉर द लेफ्ट वन। एंड ये आप अपने बड़े आराम से कान में पहन सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लगा मुझको ये। सो इसमें यहाँ पे नॉर्मल किसी भी ईयरफोन की तरह आपको कंट्रोल स्विच देखने को मिल जाता है, तो आप ट्रिपल टैप करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो बैक हो जाएगा, होल्ड करके कहेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, कट होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं जो किसी भी नॉर्मल ईयरफोन में आपको मिलती हैं। ऑलराइट, कुछ स्पेसिफिकेशंस की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो ड्राइवर साइज है वो 10mm का मिलता है, जो कि नॉर्मल है ऑफकोर्स किसी भी ईयरफोन में। बट इसमें डिफरेंट ये है कि ये एक किसी भी नॉर्मल ईयरफोन से इसका जो ट्रेबल है वो काफ़ी बेटर होता है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट साउंड्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं, आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, खासकर आप इंस्ट्रूमेंट साउंड्स सुनना पसंद करते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल वॉइस एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिंग ये सारे काम करते हैं, तो उसके लिए ये IEMs बहुत बेस्ट फिट होते हैं। नॉर्मल ईयरफोन में आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, जितनी अच्छी क्लैरिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो यही खास बात होती है इन IEMs की, जो कि इन्हें नॉर्मल ईयरफोन से अलग करती है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो प्राइस है वो नॉर्मल ईयरफोन से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब कितना कॉस्टली होता है, सो इस बजट IEM का जो कॉस्ट है वो आपका है 1500 रुपये। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपका एक बजट IEM का कॉस्ट 1500 है तो जो यहाँ पे हाई क्वालिटी IEMs होते हैं वो उनका कॉस्ट कहाँ तक जाएगा। अदर देन दैट, इसमें एक चीज और अच्छी होती है, ये जो बैंड पार्ट है वो कान में अच्छे से फिट हो जाता है, यहाँ पे कान के ऊपर आ जाता है ये, सो काफी स्टेबल हो जाता है ईयरफोन। इसका जो डिजाइन है वो भी ऐसा दिया गया है कि आपके कान में आराम से फिट हो जाए। ऑल्दो ये थोड़ा सा भारी होता है नॉर्मल ईयरफोन से, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा बल्की है ये, राइट। बट यहाँ पे जो कंफर्टनेस है, जो फिटनेस है इसकी कान के अंदर, वो काफी ऑसम होती है। अनदर थिंग,
यहाँ पे तो 3.5 mm जैक है वो ख़राब हो जाता है। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ये IMs के बाहर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं और आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको बहुत ही आराम से। बट एक बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, अगर आप एक नॉर्मल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं नॉर्मल तरीके से, अगर आपको बहुत ज़्यादा पंची बेस पसंद नहीं आता है, इन दैट केस आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा पंची है, सो अगर आप पंची बेस नहीं सुनना चाहते हैं इन दैट केस आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदर देन दैट एक कमी और है इसमें, ये थोड़ा सा हैवी है, हैवी साइड पे ईयरफोन है ये, बट यहाँ पे फिटिंग काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो इतना महसूस नहीं होता है। सो कैसा लगा आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। आपके जो भी फीडबैक हैं वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, एंड इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर चेकआउट करें। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो मेरा जरूर रिकमेंडेशन है कि आप इसको जरूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।